हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, सेट नंबर ए का, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन में, सेट ए में। और ये क्वेश्चन बहुत ही गुड है, 3 स्टार डाला हूँ। इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ जाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में आप बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि जितने लोग भी अभी इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं और पेन कॉपी लेने के बाद अपना टाइम मार रहे हैं। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, वर्चुअल कैलकुलेटर या प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर आपकी चॉइस है, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर की नीड रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन। लिखा है, एक इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी इंडक्टेंस एंड 90 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए 20 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। एक इंडक्टर है, कितना इंडक्टेंस का है, 0.5 इंडक्टेंस और 90 ओम का रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल इंडक्टर हुआ, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर में ही रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है, और एक आइडियल इंडक्टर में सिर्फ इंडक्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्लियर। और एक जो लॉसी इंडक्टर होता है, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है, उसमें आर भी होता है और एल भी होता है, इसी को कॉइल बोलते हैं। जैसे इंडक्टर इज रिप्रेजेंट द कॉइल, कॉइल भी लिखा जा सकता था, कभी कोई कॉइल लिखता है, कभी कोई इंडक्टर लिखता है। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है। पैरेलल में एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट किया हम लोग, और ये वोल्टेज आप 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज आपके पास है, तो एसी का क्वेश्चन हो गया ये। इसका मतलब एक कॉइल है, दैट मीन द प्रैक्टिकल इंडक्टर, दैट मीन द लॉसी इंडक्टर, इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट किया हम लोग, दिस द कैपेसिटर, पैरेलल में कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 0.5 और 90 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये 90 ओम और 0.5 हेनरी का इंडक्टेंस है ये। और यहां पे आपके पास अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस द वोल्टेज, पोलैरिटी भी बना लो, नो प्रॉब्लम, 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज, तो एसी सर्किट हो गया। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसको बोलते हैं एक प्रैक्टिकल कॉइल, प्रैक्टिकल इंडक्टर, ये एग्जाम में नॉर्मल इंडक्टर लिखा रहता है, द प्रैक्टिकल इंडक्टर सीरीज आरएल नेटवर्क, प्रैक्टिकल इंडक्टर, ठीक, एसी सर्किट दिख रहा है और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से। हाँ, एक और चीज क्लियर रहना चाहिए कि जो ये एसी सिग्नल देने का स्टाइल जब भी ऐसा गिवन होता है, ये आपको क्लियर है, सिंगल फेज सप्लाई है, इसका मतलब है कि आरएमएस जो इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट आरएमएस वोल्टेज है, इनपुट आरएमएस वोल्टेज इज 230 वोल्ट, द स्टाइल ऑफ आरएमएस वोल्टेज। हाँ, कोई अगर ऐसा लिख के दे रहा है कि नहीं 230 sin 314 t वोल्ट है, तब तो ये पीक वैल्यू हुआ। तो अगर कोई साइनोसोडल लिख के दे रहा है और उसका सामने अगर पीक वैल्यू है, तो ये इसका पीक वैल्यू हुआ, ये इसका पीक वैल्यू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसोडल सिग्नल। बट ये इसका अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट द फेजर फॉर्म, दिस द 230 वोल्ट। अगर सिर्फ 230 वोल्ट लिखा रहता, ऐसा लिखा रहता 230 वोल्ट एंगल 0 वोल्ट, तो भी ये आरएमएस इनपुट वोल्टेज होता। तो ऐसा लिखा है तो भी आरएमएस, ऐसा लिखा तो भी आरएमएस, और ये तो दिख ही रहा है कि पीक वैल्यू 230 वोल्ट, तो क्लियर रहना चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास बोला गया, आपके पास क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए, बोला गया कि वोल्टेज इतना है, 50 हर्ट्ज मेंटेन कर रहे हैं, द टोटल पावर, क्वेश्चन में देखा जाए, द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स इज नियरली, क्वेश्चन में वैसे टोटल एक्टिव पावर होना चाहिए था, वॉट में लिखा हुआ आपके पास, क्लियर, कि एक्टिव पावर कितना आपके पास सोर्स से हम ले रहे हैं। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि दो आपके पास जो एलिमेंट्स है, आपके पास ये आपके पास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और दो रिएक्टिव एलिमेंट दिख रहे हैं, एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस और एक 0.5 हेनरी का। तो क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें कितना पावर होगा, तो रिएक्टिव पावर होगा VAR में, इंडक्टेंस में कितना पावर होगा, तो रिएक्टिव पावर होगा VAR में, रेजिस्टेंस कितना पावर स्टोर करेगा, स्टोर तो नहीं करता, डिसिपेट करेगा आपके पास जो पावर है, रेजिस्टेंस में कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा, वॉट में होगा। ये पूछा गया कि बताओ द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स इज नियरली, इसका मतलब ये है कि इस सोर्स से जितना भी कॉम्प्लेक्स पावर होगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स पावर होगा, उसका जो एक्टिव पावर होगा इसका, इस सोर्स का, वो एक्टिव पावर वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा 90 ओम के पास, और जितना भी रिएक्टिव पावर होगा, इन दोनों को मिला के रिएक्टिव पावर होगा, ऐसे होते। इसका मतलब है, मैं इसलिए बोला कि गेट के क्वेश्चन का स्टाइल है, कैलकुलेटर आप निकाल लो, आप अच्छे से अप्लाई करो, इज वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो अच्छा फील होता है, और एसी सर्किट में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर की बात करूँ, तो कॉम्प्लेक्स पावर जो होगा, एस की जो वैल्यू होगा आपके पास, वो पी प्लस जे के हो सकता है,
एस की वैल्यू पी माइनस जे की हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास कि लीडिंग पावर फैक्टर है कि लैगिंग पावर फैक्टर है, सप्लाई पावर फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको एस की वैल्यू आपके पास जो होगा, इसमें से जो पी वाला पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस जो होगा इसके क्रॉस में एब्जॉर्ब होगा, और जो क्यू वाला पार्ट होता है वो इसके क्रॉस में होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के क्रॉस में। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि ये जो 90 ओम में जो पावर होगा वो पी होने वाले, तो कन्फर्म। इसका मतलब है कि एस में जो आपके पास पी वाला पार्ट है, पी प्लस माइनस जे क्यू, इसमें जो पी है वो वही है जो एक ही तो रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है आपके पास। तो इस रेजिस्टेंस में जो आई आर एल आपके पास है, आई आर एल जो ब्रांच है, उसमें जो आर एम एस वैल्यू होगा उसका स्क्वायर इंटू आई आर एल ब्रांच ही होगा, इतना वॉट। तो जितना पावर वहां से डिलीवर होगा उसमें से ये एब्जॉर्ब कर लेगा रेजिस्टेंस 90 ओम। इसका मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको 90 ओम का ना पावर फाइंड आउट करना है, वही पावर यहां से आ रहा होगा एक्टिव पावर। तो ये टोटल जो पावर है उसको आप एक्टिव पावर भी बोल सकते हो। तो चीज़ें क्लियर रहना चाहिए, और भी मेरी बात पूरी ध्यान से सुनते रहिएगा। इसका मतलब मेरा फोकस ये हो सकता है कि मैं 90 ओम का पावर निकालूं, 90 ओम का पावर एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, फिर मैं पूरी बात करूंगा, तब तक सुनते रहना पूरा मेरा डिस्कशन। तो चलो मैं अभी 90 ओम पे अगर फोकस करूं कि आई आर एम एस वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं कि आई आर एल की आर एम एस वैल्यू कितना होगा, तो वोल्टेज आपको पता है कि आई आर एल की वैल्यू कितना होगा। तो आई आर एल की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पता है कि वोल्टेज 230 वोल्ट है, आर एम एस वोल्टेज इज 230 वोल्ट, और फिर ये एक सीरीज आर एल नेटवर्क है तो आर प्लस जी ओमेगा एल, ये आर प्लस जी ओमेगा एल ऐसा होगा। दिस वन अभी 230 वोल्ट है, इसका एंगल आप बोल सकते हो कि जीरो आर एम एस वोल्टेज, द आर एम एस वोल्टेज। तो आई आर एल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई आर एल का मैग्नीट्यूड होगा 230 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है चलो, ये 230 जो वोल्ट है ये वोल्टेज पता है आपको, आर एम एस वोल्टेज। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, तो 90 है, 90 का स्क्वायर होगा। और ओमेगा एल की बात कर ले तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी 314 होता है, जब भी 50 हर्ट्ज होता है ओमेगा 2 पाई है तो 314, और एल की जो वैल्यू है 0.5 है, 0.5 157 हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 और ये 230, इसको आप सॉल्व करोगे ये आंसर जो आएगा, मैं जो सॉल्व किया था इसका आंसर लगभग आ रहा होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.27 एम्पियर के आसपास आ रहा होगा। क्रॉस चेक कर लेंगे आप, 1.27 एम्पियर के आसपास आ रहा होगा आरएल ब्रांच में करंट। अब आप बोल रहे हो कि पावर कितना होगा, तो पावर जो होगा उस आरएल ब्रांच में, एक्टिव पावर जो होगा आई आर एल आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू है क्योंकि आर एम एस वोल्टेज है तो आर एम एस वैल्यू होगा 1.27 का स्क्वायर इंटू उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 90। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 145 वॉट के आसपास आएगा। दिस वन ये आपको क्लियर होना चाहिए इस ब्रांच में, तो आप निकाल लिए भाई इस ब्रांच में कितना होगा करके। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे फॉर्म में आइडिया होना चाहिए कि 90 ओम में जो पावर होगा वही पावर तो आ रहा है सोर्स से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आंसर आ गया, चलिए तो आंसर आ गया, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को आप लेके आप 30 मिनट भी वर्कआउट कर सकते हो सेम क्वेश्चन को लेके, मतलब वैरायटी ऑफ डिस्कशन कर लो आप। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक ही क्वेश्चन के साथ लेके पूरा का पूरा चीज इंगेज कर लो, भागो मत अलग अलग क्वेश्चन के लिए, एक ही क्वेश्चन में सब अप्लाई कर डालो। तो 145 वॉट है, अगर मैं बोलता कि मेरे को कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए तो कॉम्प्लेक्स पावर इज गिवन बाय ऐसा होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्जुगेट, ये द कॉम्प्लेक्स पावर। वी आर एम एस की वैल्यू आपको पता है कि आर एम एस इनपुट वोल्टेज कितना है, आर एम एस इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट। तो अगर आप आर एम एस करेंट फाइंड आउट कर लो, तो आर एम एस करेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, इनपुट का आर एम एस करेंट, आर एम एस वोल्टेज डिवाइड बाई जेड इनपुट इम्पिडेंस, उसके बाद में मैं कॉन्जुगेट कर लूंगा। तो इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू होगी सीरीज आर एल नेटवर्क है तो आर प्लस जी ओमेगा एल, पैरेलल है आपके पास किसके साथ, कैपेसिटेंस के साथ, तो 1/jωC। थोड़ा सा सॉल्व करने की बात की जाए तो आर प्लस जी ओमेगा एल इंटू 1/jωC अपॉन आर प्लस जी ओमेगा एल प्लस 1/jωC। मैं बोला भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इनपुट इम्पिडेंस अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो क्या होगा, जी ओमेगा सी कैंसिल आउट, ऊपर बचा आर प्लस जी ओमेगा एल, नीचे बचा जे आर ओमेगा सी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 1। This one. Yeah. अब आप R की वैल्यू पुट कर लो, जैसे R की वैल्यू गिवन है आपके पास, R की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है 90 गिवन है, ये 90 गिवन है प्लस j ओमेगा, ओमेगा 314 है, L की वैल्यू 0.5 है, ओके। यहां पे आपके पास 1 है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर दैट मींस द 314 का स्क्वायर, L की वैल्यू 0.5 है, और C की वैल्यू जो है वो 20 माइक्रो फैराड है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में चला गया 20 माइक्रो फैराड प्लस j R, R की वैल्यू जो है वो 90 है, ओमेगा की वैल्यू 314 है, सी की वैल्यू 20 माइक्रो हेनरी है, माइक्रो सॉरी फैराड, 20 माइक्रो फैराड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू, इसको वैल्यू। अब आपको इसको पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स सॉल्व करोगे तो आई आर एम एस की वैल्यू आएगा, और आई आर एम एस की वैल्यू जो भी आएगा आपके पास, आई आर एम एस की वैल्यू ए आ गया और एंगल थीटा आ गया, तो
तो फिर आई आर एम एस कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आई आर एम एस कॉन्जुगेट होगा, मैग्नेट्यूड विल बी सेम, और थीटा जो होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा। दिस वन, ये आई आर एम एस कॉन्जुगेट, इसको आप यहाँ पुट कर दोगे, इसको यहाँ पुट करोगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर का आंसर आ जाएगा 230 इंटू आई आर एम एस कॉन्जुगेट, जो भी आप निकालोगे। उसके बाद कन्फर्म है कि पी का आंसर ना 145 वॉट आने वाला है, और प्लस माइनस जे जो भी आपके पास रिजल्ट आने वाला हो, तो देखना रहेगा, प्लस माइनस जे की लिख देता हूँ, जो भी आंसर आने वाला होगा। तो आप ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, आप ये बताएंगे कि जो रिएक्टिव पावर था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, आप ये बताएंगे कि सप्लाई पावर फैक्टर लीडिंग है कि लैगिंग है। आप मेरी बात अगर सुने होंगे ध्यान से कभी ना कभी, तो आपको आइडिया होगा कि अगर ये पी प्लस जे की होता है तो सप्लाई पावर फैक्टर लीड करता है कि लैग करता है, और अगर ये पी माइनस जे की होता है तो सप्लाई पावर फैक्टर लैग करता है कि लीड करता है। जब भी ये पी प्लस जे की होगा, पी प्लस जे की होगा, पी एंड की बोथ आर पॉजिटिव, पी प्लस जे की होगा, जब भी कॉम्प्लेक्स पावर लीड करेगा पावर फैक्टर लैग करता है, जब भी कॉम्प्लेक्स पावर लैग करेगा, जब भी कॉम्प्लेक्स पावर आपके पास लैग करेगा 145 और ये माइनस जे क्यू आ गया, तो कॉम्प्लेक्स पावर अगर लैग करेगा उसका एंगल नेगेटिव आएगा, पावर फैक्टर लीड करेगा, सप्लाई पावर फैक्टर विल बी लीड। तो इसका मतलब है कि सप्लाई पावर फैक्टर जो भी होगा वो इनपुट कॉम्प्लेक्स पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉम्प्लेक्स पावर का लीड करना मतलब सप्लाई पावर फैक्टर का लैग करना, कॉम्प्लेक्स पावर का लैग करना मतलब सप्लाई पावर फैक्टर का लीड करना, सब कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स पावर के। तो जस्ट आप ये तो आने वाला है 145, इसको आप निकालिएगा, और ये जितना रिएक्टिव पावर निकलेगा आपके पास, जितना रिएक्टिव पावर निकलेगा, फिर आप इंडिविजुअल रिएक्टिव पावर निकालिएगा, और इंडिविजुअल रिएक्टिव पावर जब आप निकालोगे तो आपको देखिएगा कि रिएक्टिव पावर उतना ही आ रहा है जितना वो वहां से डिलीवर्ड हो रहा है। तो जितना भी वहां से डिलीवर हो रहा है कॉम्प्लेक्स पावर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव, उतना ही पावर ये एब्जॉर्ब करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है एब्जॉर्ब करेगा, ये जो दोनों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है ये दोनों मिलकर एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितना वहां से डिलीवर हो रहा है उतना ये दोनों सब लोग मिलकर एब्जॉर्ब करेंगे। बस ये कि एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये वॉट एब्जॉर्ब करेगा, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स इज नियरली, अगर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होता और अगर ये ऑप्शन नहीं लिखे होते तो इससे कभी नहीं पता चलता कि हमको एक्टिव पावर निकालना है। फिर टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स इज नियरली, तो फिर तो मैं एस निकाल देता, कॉम्प्लेक्स पावर निकाल देता, बट ऑप्शन लिखे तो पता चल गया कि अच्छा टोटल एक्टिव पावर एक्चुअली। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पता चला। अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता तो यूनिट से भी पता चल जाता, अदरवाइज फिर क्वेश्चन को फिर अच्छे से लिखते आना चाहिए बहुत अच्छे फॉर्म में। तो मैं बोला 145 वोट तो निकाल लिया मैं 90 ओम के क्रॉस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप ना कॉम्प्लेक्स पावर निकालो और 145 वोट को क्रॉस चेक करो, रिएक्टिव पावर आप देखो, फिर इंडिविजुअल आप रिएक्टिव पावर निकालो और ओवरऑल चेक करो कि जितना एक्टिव पावर सप्लाई हमको प्रोवाइड कर रहा था उतना ही रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब किया, जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई डिलीवर कर रहा था उतना ही दोनों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उतना पावर को एब्जॉर्ब कर लिए, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लिए। तो क्लियर होना चाहिए। कल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया गेट में कि बताओ 20 माइक्रोफैरड जो है वो कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर कैसे करोगे? तब तो आपको आना चाहिए ना हर फॉर्म में। तो फिर आप जितना बेस्ट हो सकता है उतने बेस्ट फॉर्म में जाइए। ये क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन है, इसके साथ आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जितना आपको रहना उतना आप रहिए, आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। एक एसी सर्किट का गुड क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन देंगे, आपसे कैलकुलेट कराएंगे, और मैं देखता हूं कि कई बार लोग इतना अच्छा सॉल्व नहीं कर पाते, लोग डरते हैं कैलकुलेशन से डरते हैं, जबकि फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए। चाहे माइक्रोफैरेड हो, चाहे मिली हेनरी हो, चाहे कैसा भी फॉर्म हो, आपको फास्ट वे में सॉल्व करते आना चाहिए। तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन में डिस्कशन मोड में रखिए, इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा चीजें निकालिए, क्रॉस चेक करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सब कुछ निकला कि नहीं और आपको कोई डाउट है कि नहीं। तो मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आपको डाउट है कि नहीं, और बहुत सारे लोग तो पहले भी आंसर दे चुके होंगे, जब आप सॉल्यूशन में देना चालू किया था उसके पहले भी देना चालू कर चुके होंगे, तो पूरी चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। तो मैं कोई भी तरीका यूज कर सकता हूँ, इवन मैं चाहूँ तो मैं इस 90 ओम के क्रॉस में करंट निकाल सकता हूँ, और यही बात कर सकता हूँ कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉन्जुगेट। इसका मतलब है मैं इस आर एल ब्रांच में भी ना कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स पावर का रियल पार्ट 90 ओम का एक्टिव पावर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स जो पावर निकलेगा उसका रिएक्टिव पावर जो होगा वो 0.5 हेनरी का होगा। तो मैं इवन ना इस वाले ब्रांच का भी एक्टिव और रिएक्टिव निकाल सकता हूँ, तो मतलब कर तो अपन कुछ भी सकते हैं, समझ आ रहा है? तो वैरायटी ऑफ अप्रोचेस आपको आना चाहिए, बेस्ट फॉर्म में आपको चीज़ें हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर 145 वॉट था। मैं 3 स्टार भी डाला कि इस टाइप के क्वेश्चन एक गेट के स्टूडेंट को बनाना चाहिए, एक गेट का जो स्टूडेंट है जो गेट का एग्जाम देने वाला है उसका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हैंडल करते आना चाहिए लोगों को, ठीक है? बाकी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा, किसी को कुछ डाउट होगा तो देखेंगे। तो लोग एसी सर्किट को अच्छे से हैंडल नहीं करते ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेटर वर्चुअल प्रोग्रामिंग जो आपके पास में उसको रखे रहो और उसको अप्लाई करो, ठीक है? ऐसा करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसी चीज़ें आना चाहिए, ठीक? ओके, थैंक यू।